मामा जी, मुझे लगा था मेरे मामा जी यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, पर मेरे मामा जी मुझसे यहाँ मिलने नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने आया है। तो बताइए, क्या सबूत मिला आपको मेरे पापा के खिलाफ? कितने गुनाह किए उन्होंने? कब जेल के अंदर बंद कर रहे हैं उन्हें? मैं एक मामूली हवालदार हूँ बेटा, किसी को जेल में बंद करने की औकात नहीं है मेरी। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं। जीजा जी को कुछ कहने की कोशिश करता था तो वो कहते थे कि इट्स एन ऑर्डर। तेरी माँ मुझे हमेशा कहती रहती है इट्स एन ऑर्डर। आज एसपी साहब को मना करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कह दिया कि इट्स एन ऑर्डर। खुद को बहुत समझा कर आया हूं मैं बेटा। हाँ, रिश्तेदारी की आड़ में मैं अपना अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अपना फर्ज मैं ईमानदारी से निभा तो रहा हूं। नतीजा चाहे जो भी हो, अब ईमानदारी से ये रिकॉर्डिंग मैं एसपी साहब को दे दूंगा, मेरा फर्ज पूरा। क्या कहा आपने? पापा और बुआ की बातें आपने रिकॉर्ड की हैं? मामा जी, रुकावट के लिए खेद है दोस्तों। प्रेम प्लीज, प्रेम प्लीज रुक जाओ प्रेम। ये देखिए, महाभारत के शकुनी मामा को आज मैंने साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। ये मेरी धर्म पत्नी के परम पूज्य शकुनी, परम पूज्य मामा जी वहां वहां ऊपर खड़े होकर मेरे भगवान समान पापा और मंदिरा बुआ की बातें इस फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। तेजस्विनी और उसके परिवार वाले हमें और कितना धोखा देंगे? अब आप लोग सोच रहे होंगे वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि मेरे पापा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज सके। लेकिन किस जुर्म में भाई? जुर्म तो पता नहीं, इन्होंने सोचा कि चलो बातें रिकॉर्ड करके शायद कोई सुराग मिल जाए, ऐसे हवा में तीर चला रहे थे। अब छोटे आदमी है ना, सोचा धर्म सिंह राठौड़ की रिश्तेदारी का कोई ना कोई फायदा तो उठा ले। यही बात है ना मामा? किस हैसियत से ये वहां खड़े होकर फोन रिकॉर्ड कर रहे थे? भाई हैसियत औकात छोड़ो, छोटे से हवलदार है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए आज तक ये।